के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि हाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। ट्रस्टेड प्लेस में बदल चुके कलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं के बात करने उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा वहां के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि पर्यटक यहां इस चाह में आते हैं कि उन्हें यहां दबा हुआ सोना मिल जाए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहां आता है वह जगह जगह खुदाई करने लगता है इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी लोगों को खुदा हुआ ही मिलेगा। पेरानमल सोसाइटी की टीम ने की कुलधारा में पड़ताल। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत-प्रेत में आत्माओं का रिसर्च करने वाली पेरानमल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में बिताई रात। टीम ने माना कि यहाँ कुछ अन्य असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया है कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम होस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगह पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही करके देखा। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। टीम के सदस्य जब कुलधारा के गांव घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई दिए। लोगों ने बताया कि जहाँ इस गांव में भूत प्रेत का वास है तो वहीं इस गांव का निर्माण भी वैज्ञानिक तरीके से हुआ था। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और यह उनमें से एक था। मेहनती रईस कुलधर शाखा ने 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले गांव को बसाया था। कुलधारा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहां कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोड में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थीं। कुलधारा की ये रेगिस्तान में भी वातानुकूल का एहसास देते थे। इस जगह गर्मियों का तापमान 45 डिग्री रहता था। आप यदि अब भी गर्मी में वीरान इन पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का ही अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोखों के जरिए आपस में जुड़े थे इसलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के भीतर पानी के कुंड ताक और सीढ़ियां कमाल के लगे हुए थे। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमता अपने कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवाल ने धरती पर सोना उगाया था। हैरत की बात यह है कि पाली से कुलधारा के बाद आने वाले पाली तालों ने रेगिस्तान पानी सरजमी के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान में खेती पाली वालों के समुद्री का रहस्य जिप्सम की परती वाली जमीन को पहचानना और वहां पर बस जाना। पालीवाल अपनी वैज्ञानिक सोच प्रयोगों और आधुनिकता की वजह से उस समय भी इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और मवेशी पालने पर निर्भर था और बड़ी शान से जीता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी से पालीवाल खेती करते थे और ऐसी वैसी नहीं बल्कि जबरदस्त फसल पैदा करते थे। पालीवालों के जल प्रबंधन की ऐसी तकनीकी ने थार रेगिस्तान को इंसानों और मवेशियों की आबादी या तादाद के हिसाब से दुनिया का सबसे संघन रेगिस्तान बनाया। पालीवालों ने ऐसी तकनीक विकसित की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था बल्कि एक खास गहराई से वहां जमा हो जाता था। ठाकुलधारा के वीरान होने की कहानी। जो गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही होगी कि रातों रात गांव वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अय्याश दीवान सालम सिंह जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस इसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद से चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गाँव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गाँव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। ये थी एसएम न्यूज़ की रिपोर्ट।